दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, फिर मैं जिस सॉन्ग में जिस तरह स्टेटस को देखा है, ये सॉन्ग अभी इंस्टा पर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों, आप भी खुद का फोटो लगा के कुछ इस तरह लाइट इफेक्ट बनाना चाहते हो ये सॉन्ग में, तो इस वीडियो को पूरा देखे। बहुत सिंपल है इस स्टेटस को बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगता है, खराब होता है, एक कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मैं टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो PNG और फोटो जो यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करना होगा। तो मैं अलर्ट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ, सकते हो मैं अलर्ट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो आप भी अलर्ट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और अलर्ट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको आना होगा। और जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये दो प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। देखो, ये वाला इफेक्ट प्रोजेक्ट को और ये वाला सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को। तो ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है, ये सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद देखो कुछ इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह आपको बीट देखने को मिलेगा और एक ग्रुप लेयर और एक देखो रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। सबसे पहले जो काम है हमारा वो क्या करना होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो मैन सॉरी यहाँ पर जो ग्रुप लेयर है, ये ग्रुप लेयर में मैन फोटो ऐड करना है। तो ये ग्रुप लेयर में मैन फोटो कैसे ऐड करना है, देखो ये ग्रुप लेयर को टच करना है इफेक्ट सॉरी यार यहाँ पर जो एडिट ग्रुप है यहाँ पर आपको आना है। और यहाँ पर देखो ये सब के नीचे आपको एक फ़ोटो ऐड करना है। तो फोटो कैसे ऐड करना है, देखो प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आपको आना है। और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। तो देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला फोटो को देखो मैं ऐड कर लिया हूँ। मूवमेंट ट्रांसफर में आपको आना है, रोटेट ऑप्शन में आना है, ऐसे करके -90 डिग्री रोटेट करना है, एकदम लास्ट में आना है और एक बार बैक होना है, जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना है, ऐसे करके साइड में दबा कर रखना है और सभी लेयर के नीचे रख देना है। कुछ इस तरह करके फ़ोटो को ऐड करना है और फोटो को ठीक से एडिट कर लेना। देखो ऐसे करके मतलब फ़ोटो को यहाँ पर एडिट कर लेना और ये ग्रुप से बाहर हो जाना। तो ये ग्रुप से बाहर हो जाने के बाद दोस्तों ठीक से देख लेना फ़ोटो हमारा ठीक से ऐड हुआ कि नहीं। तो देखो ठीक से ऐड नहीं हुआ है तो यहाँ पर फिर से ग्रुप के अंदर आ जाना और फोटो को देखो कुछ इस तरह करके एडिट कर लेना। तो देखो तो अब ज़्यादा नीचे आ गया, तो इसको फिर से ठीक करना है। तो देखो ठीक से कर लिया हूँ, तो ये ग्रुप से देखो बाहर आ गया हूँ। तो ये ग्रुप से बाहर आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह आपको देखो कुछ लाइट इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देखो कुछ इस तरह देखो। तो दोस्तों अब क्या करना, देखो दोनों साइड में फ़ोटो ऐड करना है। तो दोनों साइड में दोनों अलग फ़ोटो ऐड करना है। तो फर्स्ट में ना है प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में ना है और देखो ये फ़ोटो को मैं ऐड कर लिया हूँ। मूवमेंट ट्रांसफर में आना है, रोटेट ऑप्शन में आके ऐसे करके -90 डिग्री रोटेट करना है और ऐसे करके साइड में आपको रखना है। ऐसे करके रखने के बाद एक बार बैक होना है, लास्ट में आना है, जो ऑप्शन है पर टच करना है, ऐसे करके साइड में दबा कर रखना है और सभी लेयर के नीचे रखना है। देखो यहाँ पर जो सॉन्ग है उसके ऊपर रखना है। उसके बाद फिर से दोबारा और एक फोटो ऐड करना है, तो प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आना है। ये वाला देखो मैं फोटो को ऐड कर लिया हूँ। मूव एंड ट्रांसफर में आपको आना है, रोटेट ऑप्शन में आना है, -90 डिग्री रोटेट करना है। मूव वाला ऑप्शन में आके ऐसे करके फ़ोटो को मूव कर लेना। तो मूव करने के बाद दोस्तों ठीक से फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना। ऐड करना हो जाने के बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में आना है, जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना है, ऐसे करके साइड में दबा कर रखना है और ये फ़ोटो के नीचे रख देना। तो इस तरह देखो हमारा जो फोटो है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे नीचे जो फोटो है ये फोटो में इफेक्ट ऐड करेंगे। तो ये फोटो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है देखो इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना और फर्स्ट में जो फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, थ्रेड को टच करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार्क में आ जाना और देखो यहाँ पर जो नीचे जो फोटो है सबसे नीचे देखो ये वाला फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना, थ्रेड को टच करना और पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देखो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो फोटो है ये फोटो में अलग इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए फिर से बैक हो जाना, यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आना है, यहाँ पर सेकंड में जो फोटो है फोटो लेयर को आपको टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, थ्रेड को टच करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, सॉन्ग बीट मार्क में आना है और यहाँ पर देखो जो
सेकेंड वाला जो फोटो है, ये फोटो में ही इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, थ्रेड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा दोनों फोटो में इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप में फ़ोटो है, ये ग्रुप में इफेक्ट ऐड करना है। तो ग्रुप में जो फ़ोटो है इसमें इफेक्ट ऐड करने के लिए बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना, और सबसे लास्ट में जो फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, थ्रेड को टच करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, फिर से सॉन्ग बीट मार्क में आना है, और यहाँ पर जो ग्रुप है ग्रुप लेयर को टच करना है, एडिट ग्रुप में आना है, और यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो ग्रुप लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, और ये ग्रुप से बाहर हो जाना। तो ये ग्रुप से जैसे बाहर आओगे तो ठीक से देख लेना ग्रुप ठीक है कि नहीं। तो देखो हमारा जो ग्रुप है वो ठीक है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा फ़ोटो में, देख सकते हो। तो ऐसा करके दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटो में इफेक्ट को ऐड कर लेना, और फर्स्ट में आ जाना, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर एक पीएनजी फ़ोटो ऐड करना है एक। तो देखो ये वाला पीएनजी बॉर्डर को आपको ऐड करना है, ये वाला। तो पीएनजी बॉर्डर को ऐड करने के बाद लास्ट में आना है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने देखा है वैसे करके आप लोग ये स्टेटस को बना लेना, और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीडियो को सेव कर लेना। तो वीडियो को कैसे सेव करना है, देखो यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।